कॉन्ट्रेट कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल का वो कॉन्ट्रेक्शन जहां पे कोई भी पर्टिकुलर वेट मतलब या तो वो बॉडी वेट हो या डम्बल उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश या पुल करना होता है और अब बात करते हैं इसेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के बारे में इेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉन्सेंट्रेट कॉन्ट्रेक्शन मतलब मसल का वो कॉन्ट्रेक्शन जिसमें पर्टिकुलर वेट को आप टूवर्ड्स ग्रेविटी लेके आएंगे तो आइए चलिए देखते हैं इसे परफॉर्म कैसे करते हैं पहले तो आपको करेक्ट पोजीशन में बॉडी को रखना है जिसमें आपकी स्पाइन हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहे फिर उसके बाद स्टांस लेना है एज पर योर वर्कआउट टाइप वेदर यू आर सिटिंग स्टैंडिंग और लाइंग पोजीशन फिर हर एक बार ये ध्यान देना है कि कोई भी मूवमेंट या एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमेशा आपकी बॉडी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन के एंड में हो जहाँ से इसे कॉन्ट्रेक्शन शुरू होता है मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फ्लोर पुशअप लगा रहा हूँ तो मैंने पूरी बॉडी का वेट मेरे हाथों के सहारे अगेंस्ट ग्रेविटी होल्ड करके रखा है अब यहाँ से मैं मूवमेंट स्टार्ट करूंगा ग्रेविटी इज इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको जितना हो सके उतना कंट्रोल में ले आना है जैसे कि आपके मसल फाइबर में अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन बढ़े और उसमें ब्रेक डाउन हो अब मेरी बॉडी पूरी तरह से नीचे आ गई है मतलब यहाँ पे खत्म होता है हमारा ईसेंट कॉन्ट्रेक्शन अब यहाँ से स्टार्ट होगा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन जिसमें आपको बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स नहीं होने देना है और एक्सप्लोजिवली अगेंस्ट ग्रेविटी ढकेलना है और बॉडी को दूर ढकेलते वक्त ये ध्यान देना है कि झटका बिल्कुल नहीं देना है और आपकी जो मूवमेंट स्टार्ट करने के पहले की न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन और स्टांस है वो हमेशा मेंटेन रखना है इसमें बेनिफिट्स ये रहेंगे की जैसे की आप जानते ही है अभी के सिचुएशन में फिलहाल आपके पास वर्कआउट के लिए कोई फिजिकल गाइड करने वाला ट्रेनर अवेलेबल नहीं है सो वेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज इन दिस मैनर तो कोई इंजरी के चांस नहीं रहेंगे और तो और आपके बॉडी के मसल में अच्छे से ब्रेक डाउन होने के कारण मस्कुलर ग्रोथ अच्छी होगी बट अगेन उसके लिए अच्छे से डाइट रखना और प्रॉपर रेस्ट ले ताकि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से हो तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कृपया कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन दबाना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग